बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। कोरोना काल की पहली लहर के कहर के बीच 2020 में रियल एस्टेट सेक्टर की रफ्तार पर ब्रेक लग गए थे, लेकिन 2021 ने रियल एस्टेट सेक्टर को मंदी से उबरने में मदद की और ये सेक्टर बिक्री में भारी बढ़ोतरी करने में कामयाब रहा। अब 2022 में प्रॉपर्टी मार्केट के प्री कोविड स्तर से बाहर निकलने के आसार थे, जिन पर ओमिक्रॉन का अटैक पानी फेर सकता है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर ने सरकार से टैक्स राहत की मांग की है। रियल एस्टेट सेक्टर की मांग है कि होम लोन पर ब्याज में कटौती की सीमा को मौजूदा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाए। इसके साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा होने के साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा में बदलाव की भी मांग की है। रियल एस्टेट सेक्टर का मानना है कि बीते कई बरसों से बदलावों और चुनौतियों के बीच प्रॉपर्टी मार्केट ने काफी मुश्किलों का सामना किया है। ऐसे में रोजगार और GDP में इस क्षेत्र के योगदान को देखते हुए सरकार को इस बार के बजट में रियायतों का ऐलान करना चाहिए। हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है इनकम टैक्स में, उसको 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख किया जाए, क्योंकि ये लिमिट काफ़ी पुरानी है। दूसरे PMAY स्कीम सब्सिडी जो फर्स्ट टाइम होम बायर को मिलती है उसे कंटिन्यू किया जाए, इससे काफ़ी न्यू बायर्स को पहली बार जो मकान ले रहे हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होता है। दरअसल रियल एस्टेट सेक्टर का मानना है कि जैसे तैसे पटरी पर लौट रहे प्रॉपर्टी मार्केट के लिए तीसरी लहर भारी नुकसानदायक साबित हो सकती है। इससे ग्राहकों के सेंटीमेंट्स कमजोर होंगे, जो बिक्री में गिरावट की वजह बनेंगे। ऐसे में अगर सरकार ग्राहकों के लिए टैक्स छूट समेत दूसरी सहूलियतों का ऐलान करती है तो फिर बिक्री को घटने से बचाया जा सकता है। प्रॉपर्टी मार्केट के जानकारों का भी मानना है कि वीकेंड कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लोगों को प्रोजेक्ट्स तक आने से रोकते हैं, जो घरों की बिक्री के लिहाज से सबसे ज्यादा खास दिन होते हैं। ऐसे में ग्राहकों को कर्फ्यू के चलते निकलने का मौका नहीं मिलता, जिससे वो कई बार घर खरीदने के इरादे को टाल देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस यूनियन बजट के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग फ्लैट्स को बनाने के लिए कम कीमतों पर जमीन उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा हम उम्मीद करते हैं कि सरकार द्वारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के अंदर जैसे कि स्टील, सीमेंट, कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज पर GST को भी कम किया जाए। सरकार को कुछ नए पैकेजेस पास करने चाहिए। इसके अलावा अगर रियल एस्टेट सेक्टर को एक इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाए सो इससे फंड आने की राह काफ़ी आसान हो सकती है, इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो सकता है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि FDI फंडेड कंपनीज भी और आ सकती हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ सकते हैं। रियल एस्टेट जानकारों का ये भी कहना है कि आने वाले बजट में अफोर्डेबल और रेंटल हाउसिंग पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके साथ फंसे हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को लिक्विडिटी मुहैया कराने के इंतजाम किए जाने चाहिए। आदित्य के राणा आज तक। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।